खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक सवारियों से भरी बस चिकासी थाना क्षेत्र के वृंदावन स्कूल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में महिला, बच्चे और पुरुष सहित आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बस की स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मामला 4 बजे का है समथिंग, और उसमें एक भट्टों वाली गाड़ी थी जिसमें कि 30 से 40 लोग सवार थे। वो गाड़ी रास्ते में पलट गई और तो फिर कुछ जो लोग इंजर्ड हुए थे उनको एम्बुलेंस द्वारा CHC घाट हमारे अस्पताल में लाया गया, जिसमें से 10 लोग थे जिनके छोटे मोटे चोटें आई हैं, उनका प्रॉपर हमने इलाज किया है। और इसमें जो है 4 से 5 बच्चे और 3 औरतें और 4-5 पुरुष थे। नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वनीश कुमार की रिपोर्ट।